बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हनान और आप देख रहे हैं हनी स्टूडियो। आज एक न्यू वीडियोस यूट्यूब की आपके लिए लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपनी यूट्यूब वीडियोस के अंदर फीचर वीडियोस कैसे डाल सकते हैं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि हम अपनी यूट्यूब वीडियोस के अंदर फीचर वीडियोस कैसे डाल सकते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। फीचर वीडियोस डालने का फ़ायदा हमें यह होता है कि जब कोई व्यूअर हमारी वीडियोस को व्यू करता है यूट्यूब के ऊपर आकर, तो नीचे हमारे पास एक और, आप लोगों ने देखा होगा बाद का वीडियोस के अंदर, नीचे एक और वीडियोस आप लोगों के सामने शो हो रही होती है नीचे कमिंग अप नेक्स्ट के अंदर। तो हमने वो वीडियोस को कैसे अपनी यूट्यूब के अंदर ऐड करना है वो देखेंगे, और इससे हमारे व्यूज़ के अंदर काफ़ी हद तक इजाफा हो जाता है, क्योंकि जो व्यूअर्स देखने वाला होता है जब वो नीचे पट्टी चलती है तो वो उसे देखता है और उसके ऊपर क्लिक करता है, तो वो उस वीडियोस के ऊपर भी चला जाता है और उस पर भी हमें व्यूज़ मिल जाते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं कि हम ये कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जो है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमारी इस चैनल में न्यू आए हैं उन्हें वेलकम, और जो लोग पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें थैंक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद इधर से हम अपनी YouTube चैनल YouTube ओपन करेंगे। YouTube ओपन करने के बाद इधर हम लोगो के ऊपर क्लिक करेंगे। लोगो के ऊपर क्लिक करेंगे और इधर से क्रिएटर स्टूडियो में चले जाएंगे जी। तो क्रिएटर स्टूडियो में जाने के बाद इधर आप देखें लेफ्ट साइड पर आप लोगों को काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। इधर से हम लोग चैनल के अंदर जाएंगे। चैनल के अंदर जाने के बाद नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा फीचर्ड कंटेंट, इनके अंदर जाएंगे और इधर से हम फीचर्ड वीडियो आर प्लेलिस्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फीचर्ड कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और मोस्ट रिसेंट अपलोड के ऊपर जो है क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे। अगर आप कोई अपनी मर्ज़ी की वीडियो लगाना चाहते हैं कि मैं यही वीडियो शो करवाना चाहता हूं या प्लेलिस्ट शो करवाना चाहता हूं, उसके लिए हम नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इधर ये हमारे पास वीडियो आ गई जो हमने अपलोड की है। अगर हमारे पास ज़्यादा अपलोड वीडियोज़ होंगी तो वो इधर और भी शो हो जाएंगी, और अगर हमारे पास प्ले लिस्ट क्रिएटेड होगी तो इधर हमारे पास प्ले लिस्ट शो होगी। और अगर हम किसी वीडियो का URL देना चाहते हैं तो इधर हम URL देने के बाद इधर से सेव कर देंगे। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी न्यू वीडियो अपडेट हो, जो रिसेंटली अपडेट हो, वही वीडियो हमारी फीचर्ड वीडियोस के अंदर आए, तो उसके लिए हम इधर क्लिक करेंगे और इधर से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद तो अब हमने इधर से जो है वीडियो को देखना है कि अब हम एंड ऑफ वीडियो करना चाहते हैं या कस्टम टाइम स्टार्ट करना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि स्टार्ट कस्टम टाइम, और इधर से हम जो है 30 सेकंड कर देते हैं कि हमारी जो ये वीडियो है 30 सेकंड के बाद शो हो, या हम कम भी कर सकते हैं इधर से और उसके बाद इधर से अपडेट कर देंगे। जैसा कि आप लोगों के इधर तस्वीर के अंदर नज़र आ रहा है, तो हमारी वीडियो को इस तरह वीडियो के नीचे शो होगी, और जो व्यूअर्स होंगे वो अगर उन लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी, वो देखना चाहेंगे टाइटल देखने के बाद, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमारी इस वीडियो के ऊपर चले जाएंगे और हमारे व्यूज़ के अंदर काफ़ी हद तक इजाफा हो जाएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि हम लोग अपने YouTube चैनल के अंदर फीचर्ड वीडियो कैसे ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ भी आई होगी और आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद भी आया होगा। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमें कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि आप लोगों को हमारी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, ताकि हम आप लोगों के लिए मज़ीद इस तरह की न्यू वीडियोज़ लेकर हाज़िर होते रहें। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी तरफ से आने वाले तमाम न्यू अपडेट वीडियोस की जो है इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे बजरिया नोटिफिकेशन। और सब्सक्राइब बटन के साथ बने हुए बेल के निशान के ऊपर भी क्लिक ज़रूर करें, ताकि आप लोग हमारी वीडियोज़ को देख सकें सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।